मुझे भाईलाल की चाय पसंद थी और तुम्हें सीसीडी की ब्लैक कॉफी, इसीलिए ना तुमने मुझे छोड़ दिया। कोई नहीं, आज तुम्हारी दोस्त मिली थी, तब मुझे पता चला मेरे लिए तुम्हारी कॉफ़ी ही ब्लैक नहीं थी, तुम्हारा दिल भी ब्लैक था। तुम्हें तुम्हारी कॉफ़ी मुबारक और मुझे मेरी चाय। और हाँ, तुम्हारी दोस्त को चाय बहुत पसंद है। आज आप लोगों को दिखाते हैं कला संकाय, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स। ये गेट बन रहा है, अभी मत समझिएगा कोई विद्यार्थी तोड़ दिया। मातृ संकाय, मातृ संकाय इसीलिए क्योंकि सभी संकाय की जननी यही है। जब विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी तो सारी कक्षाएं इसी में चलती थी, हिंदी, इंग्लिश, रसायन, भौतिकी, गणित, भूगोल, इतिहास, जो भी है सब। तो बाद में धीरे धीरे सब अलग अलग विभागों में बढ़ता चला गया। चलिए अंदर घुसते हैं, देखते हैं अंदर क्या है। कई बार इस सीढ़ी पे हाथ पकड़ के चढ़े हैं तुम्हारा कि कहीं गिर ना जाओ, हैं सब भूल गई हैं, लाजे नहीं होता है। इधर एक तरफ से क्लासरूम है सारा, आइए एक ठो क्लासरूम दिखाते हैं। जब गुरुजी रैंडम टेस्ट ले लेते थे तो डेस्क के नीचे से हम लोग किताब निकाल के चुरा के लिख लेते थे, लेकिन अब आप लोग मत कीजिएगा, नहीं तो गुरुजी को सब पता चल गया है। हाँ, मत कीजिएगा कुछ। उधर सामने उधर ऑफिस है, डीन ऑफिस है, सारे संकाय से जुड़े हुए सारे मामले का निपटारा उधर ही होता है, समझे। हाँ, सबके पीने का पानी का व्यवस्था है, उसका बोतल हमेशा खाली रहता था, साला हम बोतलें भरते रह गए, पता नहीं किसको पानी पिला देती थी। हैं, इधर होनहार बच्चे सब पढ़ाई कर रहे हैं, हमरे तरह पानी भरने में थोड़े रह गए, किसी के बहकावे में नहीं आते हैं ये सब। ये सामने सोशल साइंस फैकल्टी है, इधर देखिए वहीं ब्लैक कॉफ़ी लवर से जो है हम पहली बार मिले थे, सब वहीं से घपला शुरू हो गया। ये सामने डीन ऑफिस है, आएंगे तो जाना पड़ेगा कभी कभार, साइन वाइन कुछ कुछ करवाते रहते हैं अपना टाइम पास। पढ़ाई करने वाले बच्चे एकदम लगे हुए हैं, उनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, होना भी चाहिए। इधर सारे विभाग हैं, फारसी, तेलुगु, फ्रेंच, नेपाली। नेपाली हमारा भी था 2 साल, 2 साल में हम बस इतने सीख पाए कि मैं भीतर अनुसक्षु, क्या मैं भीतर आ सकता हूँ। मेरे गुरुजी कहते थे सक्षु सक्षु, और मैं पीछे जाके बैठ के उसके बारे में ख्याली पुलाव पकाने लगते थे, क्या बताएं हैं। इधरों क्लास चलता है, खूब ग्रेजुएशन में इधर उधर चक्कर लगाएं, समझे। ये पेड़ के पास बोर होने के बाद बच्चा सब आके बैठता है, खूब डींग हाँकता है बाद में एकदम फुर्सत में। ये फूल देख रहे हैं, जब हम उसको पहली बार यही सामाजिक विज्ञान संकाय के आगे देखे थे तो पहली नज़र में फिसल गए एकदम पूरा, क्या बताएं। लेकिन दोस्त सब कहा कि गुलाब नहीं है तो क्या हो गया, यही लाल वाला फूल दे दो, जो होगा देख लेंगे। हम भी आओ देखे न तो तुरंत तोड़े या जाके उसको जाके थमा दिए। कहाँ से उसका भाई भैयारी था कि कौन था, वो जो है हमको ये यहीं पर ही सामने में जम के एकदम खूब लात घूसा पहनाया। उस साला सब कहा था कि हम देख लेंगे, दूर से सब देख लिया, कमीना था साला, कुछ किया नहीं, सब दोस्त तो कमीने न होते हैं। लेकिन बाद में हम लोग भी मौका पाके उसको कोपचा में ले जाके खूब पहना है, समझे। तो ऐसे शुरुआत हुआ था, धीरे धीरे लोग जान जाते हैं ना पसंद ना पसंद, तो बाद में पता चला कि ब्लैक कॉफ़ी लवर है, समझे। आगे आइए दिखाते हैं, फिर बाद में तो बतेबे न करेंगे। आगे ही जो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन सभागार है, यहाँ जो है राधाकृष्णन जी जो हैं यहाँ गीता व्याख्यान दिए थे। जब आप आएंगे ना काउंसलिंग के दौरान तो इसमें आपको बिठाया जाएगा, एडमिशन प्रोसेस होता है थोड़ा बहुत। यहाँ गीता व्याख्यान दिए थे, बहुत बाहर से देख रहे हैं एकदम पूरा राजा रजवाड़ा की तरह लग रहा है, एकदम आर्ट्स फैकल्टी डायनामाइट कहते हैं इसको, एकदम इसके नीचे जो है वो गाड़ी वाड़ी लगाते हैं तो ये बारूद है, समझे। इसमें जहाँ चिंगारी लगाए नहीं एकदम पूरा एकदम वो हो जाता है, ब्लास्ट कर जाता है, इसलिए चिंगारी विंगारी मत लगाइएगा, बड़ा खतरनाक है भैया ये, समझे। इसलिए यहाँ से बच के एकदम है, वैसे बड़ा भवन डर बवाल है, उसके में कोई दिक्कत नहीं है, इसी तरह चकरा जाता है सब कुछ, जहाँ यहाँ आए एकदम चकरा जाएंगे पूरा, मज़ेदार है वैसे। इधर जो है इस तरफ, हाँ इस तरफ साइकिल स्टैंड है, इसमें सब बच्चा सब अपना साइकिल लगाता है। हमारा जो है बाहर साइकिल लगाने की वजह से 2 ठो साइकिल चोरी हो गया, फिर से आज तक हम 3रा साइकिल खरीदिए नहीं पाए, तो आप इसी में लगाइएगा, नहीं तो इधर बाहर जहाँ लगाए नहीं कि कोई जो है तुरंत उसको चटका देगा। ये अभिनव भवन है, इसमें यूजी वाले की लाइब्रेरी है, समझे। इसको देख लीजिए, इसमें लिफ्टों लगा, हम पहली बार इसी में चढ़े थे लिफ्ट, बड़ा मज़ा आया था, देखिए। चलिए अब बाहर लेके चलते हैं, यही वो गेट है। इधर जो है इधर भाईलाल चाय पिलाता, एकदम पूरा फेमस है चाय वाला भाईलाल।
एकदम सबका भाई है, एकदम अपना तो झलकेगा। आइए इनसे मिल के पूछते हैं, इतना दिन बाद ये दुकान खोले हैं कोरोना के बाद, दिल तो टूट गया है तो यही एक सहारा बचे हैं। आइए एकदम खामोशी से मुस्कुराते हैं, हंस रहे हैं कि मुस्कुरा रहे हैं पता नहीं चलेगा। आइए इनसे पूछते हैं क्या हाल है इनका, कैसे हैं भाई लाल भाई, एकदम मजे में हैं? कितने दिन बाद आपसे मिल रहे हैं ये आपको पता है, हाँ बताइए। 11 महीने बाद। तो देखिए हमारा तो ब्रेकअप हो गया है, तो आप कह दीजिए आपको 11 महीने बाद, आप अपने बताइए कैसा लग रहा है भैया कि 11 महीने बाद बहुत उम्मीद के साथ हम चाहे, बड़ा अच्छा लगा। 11 महीने तो निराश, हम सोचे कि अगली मिलेगी वापस आ गए दोबारा, मान लीजिए की कृपा से। चलिए चाय पिलाइए। मुझे भाई लाल की चाय पसंद थी और तुम्हें सीसीडी की ब्लैक कॉफ़ी, इसीलिए ना तुमने मुझे छोड़ दिया। कोई नहीं, आज तुम्हारी दोस्त मिली थी, तब मुझे पता चला मेरे लिए तुम्हारी कॉफ़ी ही ब्लैक नहीं थी, तुम्हारा दिल भी ब्लैक था। तुम्हें तुम्हारी कॉफ़ी मुबारक और मुझे मेरी चाय, और हाँ तुम्हारी दोस्त को चाय बहुत पसंद है। ठीक है भैया, तब चलते हैं, उसकी दोस्तों का फ़ोन आ रहा है, देखते हैं कहीं चाय वाय पिलाने ले जाना पड़ेगा। चैनलवा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आके बताएंगे फिर सब बात।